सिंपल पराठा खाते खाते बोर हो गए हैं तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स वेज सेजवान लिफाफा पराठा ये देखने में तो सिंपल पराठा की तरह ही होता है लेकिन गेहूं के आटे से बना हुआ ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और सर्दियों का मौसम है बहुत सारी सब्जियां मिल रही है तो चलिए इसे हम एक सिंपल से ट्विस्ट के साथ बनाते हैं जिसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स या लंच या डिनर में भी बना सकते हैं तो चलिए इसकी रेसिपी को चिटकी में बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें अब हम डाल देते हैं अजवाइन तो अजवाइन को जब हम हाथ से क्रश करके इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही में इसमें हम नमक डाल देते हैं और पहले सभी ड्राई रेन्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पानी तो पानी बिल्कुल भी एक साथ नहीं डालना है नहीं तो आटा गीला हो जाता है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से आटे को नीट करते जाएंगे अब जब भी आप आटा नीट करिए तो ये ध्यान रखिए किसी चौड़े बर्तन में ही नीट करना है वैसे तो हर घर में परात अवेलेबल होता है तो उसी में आप नीट कीजिए तो बहुत ही अच्छे से आटा हमारा बनकर रेडी होता है तो ये देखिए कितना सॉफ्ट परफेक्ट से आटा लग के रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम ढक कर फिफ्टीन मिनट्स के लिए साइड रखते हैं और तब तक हम चलिए फिलिंग भी बनाकर रेडी कर लेते हैं तो फिलिंग बनाने के लिए पैन में डालते हैं दो चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे अब तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम डालते हैं चॉप किए हुए अदरक और साथ ही में बहुत ही बारीक काटे हैं मैंने प्याज इसे भी डाल देते हैं और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से दो मिनट के लिए सौटे करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए तो हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम सारी सब्जियां डालते हैं तो यहाँ पे मैंने गोभी गाजर बीन्स लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पे तीनों कलर की कैप्सिकम ली है ये भी डाल देते हैं और अब इसमें हम डालते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और सभी सब्जियों को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं सब्जियां काफी कलरफुल दिख रही है तो इसका इतना अच्छा सा ब्राइट कलर कैसे आया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसे जरूर देखिएगा और सब्जियों को हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ग्रेटेड पनीर वैसे मेरे पास घर का बना हुआ छेना रखा था तो ये मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आप बाजार के पनीर को भी ग्रेट करके यहाँ पे एड कर सकते हैं और अब मसालों में इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर हम सेजवन चटनी डाल रहे हैं जिससे की इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा साथ में इसमें हम डालते हैं सोया सॉस और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया है तो इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अब हम सभी मसालों को सब्जियों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी सब्जियां काटने में कितना वक्त लगा होगा तो सच बताओ मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया है ये सब हाथ से कटी हुई सब्जियां हैं जो, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे इसे फटाफट से काट सकते हैं तो ये देखिए 15 मिनट्स हो गया है और आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है जैसे ये सेट हो जाता है और मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है एक बार हाथ से हम इसे नीट कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हमें बहुत ज्यादा नीट नहीं करना है बस चलिए इसे हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने पांच बड़े साइज के बॉल्स बनाए और चलिए अब इसे हम रोल करते हैं तो रोल करने के लिए हम यहाँ पे सूखा आटा स्प्रिंकल करते हैं और इस तरीके से हम इसे सूखे आटे के साथ अच्छे से कोट कर लेते हैं और अब इसे हम रोल करेंगे तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल पतला रोल करेंगे और एक बड़ी रोटी हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं अब इसके बीच में हम रखते हैं मिक्स वेज फिलिंग यहाँ पे लगभग मैंने तीन से चार टेबल स्पून फिलिंग का लिया है अच्छी क्वांटिटी में हम फिलिंग रख रहे हैं और चम्मच से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और अब हमें इसका लिफाफा पराठा बनाना है तो इस तरीके से हम साइड्स को फोल्ड करते हैं और दोनों साइड को भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे फोल्ड करते समय हमें पानी वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये ऑटोमेटिक आपस में स्टिक हो जाएगा तो ये देखिए देखने में बिल्कुल लिफाफा जैसा लग रहा है और चलिए इसे सेकने के लिए इसके ऊपर हम लगा लेते हैं बटर और बटर लगाने के बाद इसे हम तुरंत ही रखते हैं गर्म पैन के ऊपर और दूसरी साइड भी हम बटर अप्लाई कर देते हैं और नीचे की तरफ से हम दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर सेकने देते हैं दो मिनट बाद इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे हम सेकेंगे तो यहाँ पे जो सेकने का तरीका है बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम घर में रेगुलर पराठा सेकते हैं ना बिल्कुल वैसे ही सेक है बस यहाँ पे ध्यान रहे की फिलिंग है अंदर तो एजेस जो होते हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो इस तरीके से आप चिमटे की हेल्प से इसे उलट पलट कर सेक सकते हैं ताकि जो किनारे हैं वो भी बहुत अच्छे से सीख जाए और कच्चे नहीं रहे तो ये देखिए हमारा एक लिफाफा पराठा बनके रेडी हो गया है बहुत ही अच्छे से सीखा है और चलिए इसे हम प्लेट से, से बाहर निकालते हैं और कहीं जाइएगा मत चलिए इसी पराठे को अलग शेप में कैसे बनाए ये भी देख लेते हैं तो इसके लिए फिर से सूखे आटे से डो को अच्छे से कोट करने के बाद इस तरीके से रोल करेंगे तो बिल्कुल पतला ही हमें रोल करना है गोल इस तरीके से रोल करने के बाद बीच में हम रखते हैं फिलिंग तो अच्छी क्वांटिटी में हम फिलिंग रख रहे हैं और यहाँ पर हम इसे ट्राइंगर शेप देंगे तो दोनों साइड को इस तरीके से हम स्टिक कर लेते हैं और नीचे वाले एंड्स को भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हमारा ट्राइंगर शेप बन रेडी हो जाएगा तो आपको अगर लिफाफा वाला शेप पसंद है तो वो भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से ट्राइंगुलर भी बना सकते हैं और सेकने का तरीका बिल्कुल सेम है बटर लगाएंगे और उलट पलट कर हम सेकेंगे जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प सा पराठा ना बन जाए तो है ना दोनों तरीका बहुत ही आसान आप किसी भी वे में पराठा बना सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका शेप बिल्कुल डिफरेंट है खाने में बहुत टेस्टी है और इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बनाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने के लिए जो मैंने फिलिंग का इस्तेमाल किया है ना उसे ब्रेड में लगा भी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए देखते हैं सभी सब्जियों को विदाउट चॉपर कैसे फटाफट से कट करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है पत्ता गोभी जिसे हम हाफ कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसे फाइनली चॉप करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है सब्जियों को कट करने का सिंपली इसी तरीके से हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर अब हम सब्जियों में लेते हैं बीन्स तो बीन्स को मैंने बिल्कुल अच्छे से पहले ही धो लिया है और इसके एंड्स को रिमूव करके इसे भी हम इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लेंगे तो जितना फाइनली चॉप आप कट करेंगे उतने ही अच्छे बाइट्स बनकर रेडी होंगे तो आप देख रहे ना मैंने बिल्कुल महीन महीन इसे कट कर लिया है और चलिए अब हम गाजर को भी कट करते हैं तो गाजर को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है और इसके छिलके को भी हम उतार लेते हैं पहले पिलर से और इसके बाद इसके एंड्स को कट करने के बाद इसे हम इस तरीके से राउंड कट करेंगे क्योंकि इसे भी हमें फाइनली चॉप करना है तो यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निक है जिसे आप ध्यान में रखिए तो फटाफट जो है चॉपिंग हो जाती है इसके लिए कोई स्पेशल आपको टूल्स की भी जरूरत नहीं है और चॉपर वगैरह की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये देखिए मैंने इस तरीके से गाजर को भी बिल्कुल महीन चॉप कर लिया है और मिनटों में ये चॉपिंग होती है तो चलिए इसी तरीके से हम प्याज को भी कट कर लेते हैं तो यहाँ पे भी प्याज को मैंने आधा करके इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है और फटाफट फड़ से ये देखिए प्याज भी चॉप हो गया है और अब हम हरी शिमला मिर्च को भी कट कर लेते हैं तो सबसे पहले इसे हम बीच से आधा कर लेंगे और इसके बीच को निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो जिन्हें चॉपिंग नहीं आती है या फिर सब्जियों की चॉपिंग करने में बहुत बहुत टाइम लगता है तो इस टेक्निक को फॉलो करके आप ही आसानी से बगैर चॉपर का यूज किए हुए सब्जियों को कट कर सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे जो शिमला मिर्च है ये भी बहुत अच्छे से कट हो गई है और मेरे पास कुछ लाल पीली शिमला मिर्च थी जिसका मैं इस्तेमाल करूंगी तो इसे भी हम सेम उसी तरीके से कट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे सब्जियों में थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन लेते हैं तो यहाँ पे व्हाइट और ग्रीन पार्ट को हमें अलग अलग कट करना है तो सबसे पहले हम व्हाइट पार्ट को इस तरीके से हाफ करके अलग कर लेते हैं और ग्रीन पार्ट को भी हम फाइनली चॉप कर लेते हैं यहाँ पे मैंने सब्जियों को बहुत ही अच्छे से पहले ही धो लिया है कट करने के बाद धोने से इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं तो ये ध्यान रहे पहले सब्जियों को धो लीजिए उसके बाद इसी कटिंग कीजिए तो इस तरीके से ये देखिए मैंने स्प्रिंग ऑनियन के व्हाइट पार्ट को भी कट कर लिया है और चलिए अब हम हरी मिर्च को भी कट कर लेते हैं फाइनली चॉप करना है तो पहले हम बीच से इस तरीके से हाफ कर लेते हैं उसके बाद हम नाइफ से कट करेंगे अब चलिए फूलगोभी को कट करना है तो तो इस तरीके से मैंने गोभी को कट कर लिया है और इसके स्टेम को निकाल लिया है और चाकू से बिल्कुल फाइनली इस तरीके से चॉप कर लेंगे तो ये देखिए मैंने गोभी को भी बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है और लगभग दो से तीन मिनट में आसानी से ये सब्जियाँ चॉप हो गई हैं तो ये देखिए मैंने सभी सब्जियों को मिनटों में नाइफ से कट कर करके रेडी कर लिया है और चलिए अब इसे हम खिली खिली हरी भरी कैसे बनाए तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गरम पानी लिया है और गरम पानी में हम डालते हैं गोभी गाजर और बीन्स क्योंकि इन सब्जियों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो दो मिनट हो गया है और आप देख रहे हैं पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है तुरंत ही हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे हम छान लेते हैं छानने के बाद ये ध्यान रखना है कि इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डालेंगे नहीं तो सब्जियां काली पड़ जाएंगी उतनी हरी भरी नहीं रहेंगी तो इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल पानी में डालने के बाद इसे हम छान लेते हैं और ये देखिए कितनी खिली खिली हरी भरी सब्जियां दिख रही है ना कलर कितना ब्राइट हो गया है और इसी तरीके से मैंने लाल पीली हरी शिमला मिर्च को भी गर्म पानी में डालकर एक बार बॉयल कर लिया है और तुरंत ही इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे और ये जो बचा हुआ पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं इस पानी का इस्तेमाल हम ग्रेवी बनाने में कर सकते हैं तो आपने देखा गर्म पानी में बॉईल करने के बाद तुरंत ही ठंडे पानी में डालने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया है तो इस टिप को आप जरूर फॉलो कीजिए और इससे पहले मैंने सिर्फ दो आलू का यूज करके बनाया था कोरियन पोटेटो बाइट जो की अभी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए